ये आइसबर्ग वाला फोटो तो सबने देखा होगा। तो जो आइसबर्ग के ऊपर वाला पार्ट है जो फ्लोट कर रहा है वो है ऊंचाई का ट्रेलर। ट्रेलर देख के आपको लगता है तीन उम्रदराज लोग हैं, वो लोग एक ट्रैक करते हैं और ट्रैक में जो स्ट्रगल होती है वो देखने को मिलता है, और आपको मूवी देख के आपको लगेगा कि मुझे भी जीवन में एक बार ट्रैक करना चाहिए। बट जब आप मूवी हॉल में घुसते हो तब आपको देखने को मिलता है उस आइसबर्ग का वो पार्ट जो पानी के नीचे है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली डन। राजश्री की फिल्म है तो वो फेमिलियल वाइब होगी, वो घर की बात, रिलेशंस पे फोकस। बट इस बार जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ फ्लॉज हैं और वो फ्लॉज को मूवी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंटरटेनिंग फर्स्ट हाफ फॉलोड बाय अ वेरी इमोशनल सेकेंड हाफ। कैरेक्टर आर्क्स जो हैं बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं और सभी ने, सारे एक्टर्स ने ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छा काम किया है। तीनों मेल एक्टर्स को बराबर स्क्रीन टाइम मिला है, किसी को ना ज़्यादा ना किसी को ना कम। ऊंचाई फॉर मी इज़ अ वेरी गुड फैमिली फिल्म दैट रिमाइंडेड मी ऑफ द होलसम फिल्म दैट राजश्री यूज टू मेक। अब जो लेंथ की बात आती है कि अच्छा फिल्म बहुत लंबी है, पर अगर लंबी फिल्म में आपका आपको बोरिंग कंटेंट मिले तो आप बोल्स कंप्लेन कर सकते हो, पर यहाँ कुछ बोरिंग नहीं मिलता है। इशूज जो प्लॉट पॉइंट्स चुने गए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन फील होता है थ्रू आउट। ओवरऑल अगर बात करें, अगर आपको ड्रामा पसंद है, आपको ह्यूमन रिलेशंस पसंद है और आपको कुछ लाइफ लेसन जो आपको सीखना चाहिए, जो आप यूज़ कर सको जीवन में, वैसी फिल्म पसंद है तो ऊंचाई आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। प्रो टिप है, टिश्यूज़ नैपकिन वगैरह ले जाइए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, और फॉलो करिए आभाष बसु को।